उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप ने देश भर में गुस्से की ज्वाला भड़का दी है। लेकिन इस झकझोर कर रख देने वाली घटना से सियासी घमासान भी अपने पूरे चरम पर है। राहुल प्रियंका के हाथरस दौरे के बाद अब बीजेपी सूबे की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रही है। हाथरस रेप घटना के दौरान जहां प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में कोरोना काल में धारा 144 तोड़ते हुए प्रदर्शन किया था, वहीं अब बीजेपी भी कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरेगी। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सूबे की कानून व्यवस्था को चौपट करार दे दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़े डराने वाले हैं। राजस्थान रेप के मामले में देश में नंबर 1 पर है। सूबे में पिछले एक साल में 5,997 नए मामले सामने आए हैं। सूबे की गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए सतीश पूनिया ने ऐलान करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में गृह मंत्री के नाते अपराधों पर नियंत्रण करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। हम प्रदेश की अराजक गहलोत सरकार के खिलाफ सोमवार 5 अक्टूबर को जिला केंद्रों पर हल्ला बोलकर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राज्यपाल महोदय से राज्य की लचर कानून व्यवस्था की समीक्षा कर हस्तक्षेप की मांग करेंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर में बढ़ते अपराध का जिक्र करते हुए कहा कि अशोक गहलोत जी 13 अप्रैल 2020 से लेकर 18 अगस्त 2020 तक नागौर जिले में बलात्कार के 49 मामले दर्ज हुए, जो ये साबित कर रहे हैं कि वर्तमान एसपी जिले की कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है। आखिर ठोस निर्णय लेकर महिला अपराधों में कमी कब तक लाएगी आपकी सरकार? पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब राजे ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के विभिन्न जिलों से सामने आ रही दुष्कर्म की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली है। कोरोना संक्रमण के बीच ये शर्मसार करने वाली घटनाएं सभ्य समाज को चुनौती देती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वर्ष 2019 के कुल 32,260 दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए सड़कों पर उतरना कांग्रेस की विशेषता है, न्याय से इनका कोई सरोकार नहीं। राजस्थान में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, ऐसे में सवाल सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उठना लाजमी है, क्योंकि गृह मंत्रालय का जिम्मा भी सीएम गहलोत के पास है। ऐसे में लचर होती सूबे की कानून व्यवस्था कटघरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।